डॉक्टर रवि रश्मि महाराज जी थाने पंच ने जारी किए हेम जन्म जयंती उत्सव के सदा पत्र तपाचार्य संधारा साधिका गुरु मां श्री हेम कुंवर जी महाराज जी का 97वां जन्म जयंती महाउत्सव धूमधाम नाल कोविड 19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए 19 सितंबर 2021 दिन एतवार को तपाचार्य हेम कुंवर रसीक लाल धालीवाल जैन गर्ल्स कॉलेज रावा मंडी जिला बठिंडा विखे सवेरे 8:30 बजे तो 12 बजे तक मनाया जा रहा है। श्री हेम कुंवर जी महाराज का 97वां जन्म उत्सव संबंधी डॉक्टर रवि रश्मि महाराज थाने पंच द्वारा सदा पत्र जारी कर दिया विशेष गलबात दौरान दसिया कि समारोह पंजाब दे वित्त मंत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल बतौर मुख मेहमान विशेष मेहमान प्रकाश चंद जी तारीवाल समादर योग मेहमान सरदार खुशबाग सिंह जटाना हल्का इंचार्ज कांग्रेस तलवंडी साबो आदर योग व्यक्तित्व कृष्ण कुमार मित्तल प्रधान नगर काउंसिल रामा समारोह प्रधान जितेंद्र कुमार जैन चेयरमैन चतुर्मास प्रबंधक कमेटी समारोह गौरव एन के जैन अहमदाबाद होंगे। डॉक्टर रवि रश्मि महाराज अते पंजाब सिंघी प्रदीप रश्मि महाराज ने दसिया कि तप विश्व कीर्तिमान संस्थापिका गुरनी मां श्री हेम कुंवर जी महाराज का जन्म रामा मंडी दे जन्म संबंधी विस्तार पूर्वक दसिया गया है। तप विश्व कीर्तिमान संस्थापिका तपाचार्य संथारा साधिका गुरुनी मिया श्री हेम कुंवर जी महाराज साहब का 97वां जन्म जयंती महोत्सव रामा मंडी में 19 सितंबर 2021 को प्रातः 9 बजे तपाचार्य हेम कुंवर जैन गर्ल्स कॉलेज के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समारोह के अंदर उस दिन के अति सम्माननीय मुख्य अतिथि होंगे भारतीय संस्कृति के गौरव सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल वित्त मंत्री पंजाब। समादरणीय अतिथि होंगे माननीय सरदार खुशबाग सिंह जटाना हल्का इंचार्ज तलवंडी साबो। आदरणीय व्यक्तित्व होंगे माननीय श्री कृष्ण लाल जी मित्तल काला प्रधान नगर काउंसिल रामा। इसके साथ साथ और भी बहुत दूर दूर से बेंगलोर से मुंबई से राजस्थान से पंजाब से हरियाणा से दिल्ली से और भी अनेक प्रांतों से जो लोग हैं वह गुरनी मैया के पावन चरणों के अंदर अपनी श्रद्धा उपस्थित करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मेरा आप सब नगर निवासियों से और जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो जो लोग हैं वह ज़रूर गुरनी मैया का दिव्य आशीर्वाद लेने के लिए 19 सितंबर को पहुँचें। गुरनी मैया की चिरंतन आत्मा की यात्रा का इस जन्म का पड़ाव पंजाब प्रदेश का रामा मंडी नगर ही बना जहां पर उन्होंने 19 सितंबर 1924 को जैन भागवती दीक्षा सिरसा में श्रमी श्रेष्ठा महान साध्वी श्री मोहन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में स्वीकार की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास के विस्तार के लिए ध्यान योग तप जप कई आध्यात्मिक अनुष्ठान पूर्ण किए। गुरनी मैया जैन समाज की एकमात्र ऐसी साध्वी हुई जिन्होंने बहुत लंबा लंबा तप जैसे कि 251 204 208 और भी बहुत लंबा तप करके उन्होंने विश्व कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया। तो ऐसी गुरुणी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आप सब लोग 19 सितंबर को अवश्य अवश्य पहुँचें। समय रहेगा लगभग 8:30 बजे से सभी जरूर पहुँचें। इस धरती दे उत्ते महापुरुष जदों जदों जन्म लेंदे है तो धरती दे दुख दर्द कष्ट उन्हां दी अपार कृपा दे नाल समाप्त हो जांदे है। इस तरह दी इस सदी दी इक महान साधवी तपाचारिया महासाधवी श्री हेम कुंवर जी महाराज जिन्हों ने इस धरती ते जन्म लेके हज़ारा लोकां दे दुख दूर किते ओ महान साधवी जी दा जन्म 19 सितंबर 2021 नूं 97वां जन्मदिन तपाचारी हेम कुंवर जैन गर्ल कॉलेज के बड़े प्रांगण के मनाया जा रहा है। इस दे उत्ते दूरों दूरों जड़े लोग है पहुँच रहे हैं बेंगलौर तो बॉम्बे तो अहमदाबाद तो दिल्ली तो हरियाणे तो और पंजाब के भी बहुत सारिया जगह के उत्तों काफ़ी मात्रा के जो श्रद्धालु है अपनी श्रद्धा प्रस्तुत करने वास्ते पहुँच रहे हैं। इस प्रोग्राम के उपर जिहड़े मुख्य मेहमान होंगे वह है सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल और उन्होंने नाल ही खुशबाज सिंह जी जटाना और कृष्ण कुमार जी मित्तल
ये भी इस समारोह के अपनी शिरकत करने वास्ते पहुँच रहे हैं उस महान गुरु की आशीर्वाद लैन वास्ते ताकि वो अपने जीवन के अपने कार्यक्षेत्र के एक सफलता का मानदंड जिहड़ा वो रच सकन। इहदे नाल नाल ही मेरा आम नगर निवासियों रामा मंडी की नगर निवासियों जिन्हां दी रामा मंडी दे बेटी रहे हैगे महासाधवी तपाचार्य हेम कुमार जी महाराज जिन्हां ने तप दे क्षेत्र विच बड़े बड़े इतिहास रचे 251 व्रत 204 व्रत 208 व्रत 207 व्रत अनेक प्रकार की लंबी लंबी तपस्या करके उन्होंने अपने जीवन दे विच एक महान कीर्तिमान स्थापित किया। उन्हां दी इस तप तो खुश होकर देवत्या ने उन्हां दे उत्ते केसर वरसाया उन्हां दे विच बहुत सारियां सिद्धियां बहुत सारियां रिद्धियां आ गईयां बचन सिद्धि आई जिस दे बदौलत बहुत सारे लोगों के दुख दूर होए जिन्हां कोले पुत्र नहीं सी उन्हां दे आशीर्वाद नाल ही पुत्र होए जिहड़े निर्धन लोग से उन्हां दा आशीर्वाद पा के उह धनवान बने और जिहड़े अखां तो गवा चुके सी इस तरह के भी दो तीन लोग जिन्हां दे अखां वापस आईयां और बहुत सारे लोगों नूं जिन्हां नूं रसौली सी कैंसर सी उन्हां दे आशीर्वाद नाल उह कैंसर भी ठीक होए। इस तरह के वह महान साधवी का जन्मदिन तो सारे नगर निवासियों नूं आस पास के एरिया नूं मेरी ये विनती है रिक्वेस्ट है कि उन्हों का आशीर्वाद लैन वास्ते उन्हों का जन्मदिन मनाने वास्ते ताकि उन्हों की अपार कृपा ताडे दे उत्ते भी बरसे तो जरूर जरूर इस समारोह दे विच पहुंचो। रामा मंडी तो परमजीत लहरी की रिपोर्ट NC7 न्यूज़।